व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके भाई साहब गुरदास मान पाजी की एल्बम का गाना लगिया ने मौजा ऑन स्पीड रिकॉर्ड्स। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेट्स वॉच द वीडियो। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा रिएक्ट करेंगे। हियर वी गो। अरे वाह वाह वाह, मैं तुम्हें तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने वाह वाह क्यों किया। वाह वाह इसलिए किया कि ऑथेंटिक गुरदास मान स्टाइल हमें सुनने को मिलने वाला है यहाँ पे, वो म्यूजिक से ही पता लग गया था। नाइस ये क्या बात है। लगिया ने मौजा हुन लाई रखी सोनिया, लगिया ने मौजा हुन लाई रखी सोनिया, चंगे आके मंदे निभाई रखी सोनिया। अरे यार गूज बम सारे यार, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं यार, मतलब मान साहब के साथ ना एक अलग रिश्ता है। एंड क्या रिश्ता है वो मैंने तुम लोगों को बताया ही था कि मेरा जो पहला बचपन में मैं पहली बार जब कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो मैं गुरदास मान बना था। एंड आई विल पुट अप द पिक्चर ऑल्सो, देख लेना तुम लोग, यहाँ पे डालूंगा मैं पिक्चर। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज उनके गानों पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। इवन जब ये जब ये वाला चैनल मैंने शुरू किया था तो पहला गाना गल सुनो रिएक्ट किया था मैंने गुरदास मान पाजी का। हाँ वो बात अलग है, अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको पॉडकास्ट पे ला सकूं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मैसेज कर देता होता हूँ उनको। मैंने इंस्टा पे भी मैसेज किया है कि आई वॉन्ट टू डू अ पॉडकास्ट, कैन वी टॉक टाइप ऑफ मैसेज, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आरजी हेयर अंडरस्कोर ऑफिशियल से। बट ठीक है, अभी हम इतने बड़े नहीं हैं कि मान साहब जितना बड़ा आर्टिस्ट हमारे साथ पॉडकास्ट करे, तो बट बड़ा मन करता है यार इनके साथ बात करने का ना, बिकॉज कहीं ना कहीं पे मैं इनके साथ रिलेट कर जाता हूँ। इवन मेरा कज़न है, उसकी वेडिंग पे भी इन्होंने परफॉर्म करा था, तो वो चीज़ मतलब बड़ी रिलेट करता हूँ। और आज इनके गाने सुन रहे हैं, वाह मज़ा आता है यार। चंगे आके मंदे निभाई रखी सोनिया, किसे ने भी दुख मेरा सुनिया सुनाया नहीं, किसे ने भी दुख मेरा सुनिया सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे क्या बात है। लाई रखी सोनिया, चंगे आके मंदे निभाई रखी सोनिया, निभाई रखी सोनिया। हशर दिहाड़े जदों अमला आए, हशर दिहाड़े जदों अमला नू तोलना, शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। क्या बात है। कुछ भी नहीं बोलना, कमली च अपनी लुकाई रखी सोनिया, कमली च अपनी लुकाई रखी सोनिया, चंगे आके मंदे रखी सोनिया, निभाई रखी सोनिया। आए
यार ये जो ट्रेडिशनल वाइब है ना, जो हमारा देसीपना है, हमारा इंडियन ट्रेडिशन, हमारा पंजाबी ट्रेडिशन है, इसको अमलगामेट एक ही आदमी करता है, वो है गुरदास मान। मैं मतलब जितना इनसे जुड़ा हूँ ना एज अ म्यूजिकल आर्टिस्ट, मैं शायद ही किसी और आर्टिस्ट से उतना जुड़ा हूँ। हाँ कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा दिल बहुत ज़्यादा मिलता है, अल्फाज पाजी हो गए, बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं उनको, क्योंकि लाइफ के वो हिस्से मोमेंट्स उनके साथ जुड़ रखी हैं। और इनके साथ तो यार मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, मतलब क्या ही कितने इंसिडेंट होंगे मेरी लाइफ के। मेरा पहला फैंसी ड्रेस, उसके बाद मेरा कॉलेज के अंदर जब एडमिशन था चंडीगढ़ के अंदर, मैं गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, सतारा सेक्टर की मार्केट में मैंने इनको देखा था। उसके बाद क्या नाम है, जहाँ पे मैं मुंबई में रहता था, मुंबई में वर्सोवा में, वहीं पे आसपास ही इनका घर था, तो मैंने वहाँ पे भी इनको देखा है। उसके बाद क्या नाम है, जब मैंने रिएक्शन चैनल शुरू किया, पहला रिएक्शन इनके गाने पे किया। मैं ज़्यादा वेडिंग्स अटेंड नहीं करता हूँ, बट गिनी चुनी दो तीन वेडिंग्स के अंदर अगर मैं गया हूँ, तो उन दोनों तीनों वेडिंग्स में मैंने मान साहब को देखा। एंड सरप्राइजिंगली मुझे नहीं पता था कैसा कुछ होने वाला है। तो मतलब अलग ही प्यार, सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी को इन पर्सन देखा है सारे सेलिब्रिटीज़ में से, तो वो गुरदास मानपाजी होंगे। मतलब इतनी इच्छा है ना कि कभी इनके साथ बैठ के बात करूं, पॉडकास्ट पे ही बात करूं। ऑब्वियसली अपनी ऑनलाइन पॉडकास्ट होती है। आई वुड लव टू हैव अ वर्ड विद हिम सम डे ऑन और द अदर। मैंने इंस्टा पे मैसेज भी करा, बट अभी इतने कॉन्टैक्ट्स हमारे नहीं है कि मान साहब तक हम पहुंच पाए, अभी हम बहुत छोटे हैं। लेकिन कभी ना कभी ज़रूर ये एक उन चीज़ों में से है जहाँ पे पहुँच के मुझे अचीवमेंट फील होगी कि हमने मान साहब के साथ दिल से वो बात करी है। तो भाई अच्छा लगेगा, देखते हैं। हाय क्या बात है। पर दाज पाया पाई रखी सोने चंगे आके मंदे निभाई रखी सोने काश नाम तेरा लेके साया शान मैं ते पाई नाम तेरा लेके साया शान मैं ते पाई चढ़ाई रखी सोने चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चंगे चंगे आके मंदे निभाई रखी सोने निभाई रखी सोने। भाई साहब भाई साहब, जियो मान साहब जियो, कसम से यार रुला देता है ये बंदा जब भी मैं सुनता हूँ यार। पता नहीं आवाज में वो क्या, छोड़ो यार शब्द ही है नहीं। बहुत प्यारी वीडियो लगी यार, सिंपल रखा, कुछ ओवर द टॉप नहीं करा। गाना बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा गाना मेरे को। एंड ऑनेस्टली बताऊं शब्द है नहीं मेरे पास यार, मैं नहीं बोल सकता मान साहब का गाना है। नहीं भाई अपनी औकात ही है नहीं इसको उस लेवल पे रिव्यू करने की ना। बस अगर किसी तरीके तुम लोग शेयर करो तो मान साहब तक ये वीडियो पहुंचे, तो उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मान साहब बचपन जुड़ा थोड़े नाल एंड कदे मिलांगे जरूर, इतनी गारंटी है। मिलूंगा तो मैं आपसे हर हाल में, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान कहता आ करे बिना नहीं मैं मरता,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਹੋਗੀ ਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਬ ਬੜੇ ਹੋਗੇ ਤਬ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਮਿਲਤਾ ਹੂੰ ਆਪਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ।